घोड़े पर बैठी महिला कांस्टेबल, साथ में दिखाई दिया स्टाफ। चलिए जानते हैं क्या है ये वजह। दोस्तों, भारत में काल बने कोरोना ने लोगों की खुशियां छीन ली हैं। पहले जहां शादी में लोग मनचाही संख्या में मेहमान बुला लिया करते थे, अब वहीं इसकी सीमा तय कर दी है। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना महामारी के मद्देनजर शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 तक कर दी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए झुंझुनू के बुहाना पुलिस थाने में ही एक महिला कांस्टेबल की शादी की रस्में अदा करनी पड़ी। तो दोस्तों, पुलिस वालों के कई रूप हम देखते हैं। एक और बेहद सुंदर रूप यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको। तो पुलिस वालों के एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप जब हमारे सामने आते हैं तो वो अच्छे लगते हैं। तो उसी स्वरूप के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो पर आपकी क्या राय है, यानी आपके क्या विचार हैं, ये वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि राजस्थान में शादी से पहले महिलाओं को घोड़ी पे चढ़कर घुमाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं। इस रस्म को बिंदौरी कहते हैं। महिला कांस्टेबल सोनिया की बिंदौरी की रस्म रविवार को हुई, और इस दौरान थाने में उनके सहयोगियों ने परिवार की भूमिका निभाई। दुल्हन को घोड़ी पर बिठाया, पास के मंदिर में ले जाकर रस्में पूरी की गईं। महिला कांस्टेबल खुशी से बता रही थी कि मेरे सहयोगियों ने ही मेरे परिवार की भूमिका अदा की, बिंदौरी की रस्म अदा की। मुझे वाकई में बहुत खुशी है, और आज समाज में अन्य महिलाओं के लिए उदाहरण है। सोनिया की शादी आज बड़ी धूमधाम से उसके ऑफिस वाले परिवार की